नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आज हम लोग समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली हमारे पेट के पाचन के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं को परफॉर्म करता है। आइए समझते हैं कि ये क्या कंसिस्ट करता है। पहली चीज़ जो नीचे से देखते हैं तो रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टमक और उसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं जैसे लिवर और गॉल ब्लैडर के साथ में ओसोफेगस जो आपकी आहार नाल के तौर पे जानी जाती है और मुख गुहा। मुख गुहा में तीन ग्लैंड्स हैं जिसमें पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। अब जैसे ही कोई भोज्य पदार्थ हमारे मुख में जाता है तो मुख गुहा के द्वारा यानी हमारे जो दांत हैं वो जिनमें रत्न कृंतक चवणक और अग्र चवणक होते हैं वो रगड़ देते हैं। मुख में ही स्लाइवा होता है जिसको लार बोलते हैं और उसका एक एंजाइम एमाइलेज होता है। ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट्स में जाके मिल जाता है और मिलने के साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। एमाइलेज के बहुत सारे कण बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के काइम बना देते हैं। भोजन में मुख की लुगदी को हम काइम बोलते हैं। ये काइम हमारे मुख गुहा में डाल जाता है। ओसोफेगस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कई सारे लेयर से मिलकर बनती है। इसके मुख के जो छिद्र होता है इसका मुख्य छिद्र उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं जिसको ओसोफेरिंजियल ल्यूमेन बोलते हैं। हालांकि ये भी बहुत फ्लेक्सिबल मानी जाती है लेकिन इसके कई सारे लेयर्स होते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं जिसमें आप स्टैटम ट्यूनिका, स्टैटम सर्कुलराइट, लसम म्यूकोसा, लेमिना मिस्कुलरोसिस, फिर लेमिना प्रोपेरिया और साथ में लेमिना एपिथेलस, मतलब ये जो 6-7 ऑप्शंस होते हैं ये मिलके इस ओसोफेगस का निर्माण करते हैं। ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि यदि आप उल्टे भी हो जाएं, यदि आप शीर्षासन भी लगा दें तो भी ये भोजन को नीचे ही मैंने उस चमक की तरफ ही होगी। क्यों? क्योंकि इसका पैरास्टिटिक मूवमेंट, ये आप देख रहे हैं ये पैरास्टिटिक मूवमेंट हो रहा है और ये पैरास्टिटिक मूवमेंट आपके भोजन को एक दबाव के माध्यम से होता हुआ स्टमक की तरफ लेके जाता है। स्टमक में जब आप इसको देखेंगे, इसको अगर हम पीछे से देखें क्योंकि लीवर का आगे का हिस्सा होता है, तो यदि हम पीछे से देखते हैं तो इसमें जो ओसोफेगस है वो स्टमक में लागे जाता है। हालांकि स्टमक के बहुत सारे हिस्से होते हैं जिसमें 6 मुख्य तौर पर हम देख रहे हैं फिलहाल, जिसमें फंडस, कार्डिया, बॉडी, एंट्रम, गेट कीपर, ड्यूडेनम, मतलब ओवरऑल इनको हम 6 हिस्सों में बांटते हैं ओसोफेगस को। ये भी बहुत सारी लेयर्स में बटी होती है जिसमें सर्कुलर मसल्स होती हैं जो आपकी इसको जोड़ के रखती हैं। अब इसके मसल्स के लेयर को म्यूकोसा के माध्यम से होते हुए जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टमक को एनलार्ज करने में हेल्प करती है। अब आप अंदर देखिए कि किस तरीके से ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑप्शन है या गैस्ट्रो स्टमकल ऑप्शन है ये कैसे इवैकुलेट होते हैं। इसमें जो सिक्रीट होती है, जो गैसेज हैं वो सिक्रीट हो रही हैं। अब यही एसिड्स का निर्माण है, इसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब ये क्यों निकलता है जब आपके मुख में या स्वाद जो होता है वो आपके मुख में जाता है या तो इसके माध्यम से ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हाँ आप इसको निकालना। ओसोफेगस का जो छिद्र होता है, ये आप छिद्र देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा टाइट होता है, बिल्कुल इतने मतलब सख्ती कि यदि ऊपर से कोई दबाव हो तो तुरंत खोल के उसको मुख में या पेट में एक बार डंप कर देता और फिर वापस बंद हो जाता है। ये भी मस्कुलर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर धीरे से भोजन को मुख में डाल देती है। और ये जो आप हरा सा पदार्थ देख रहे हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ के बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इसमें मिले हुए होते हैं जिसमें पेप्सिन होता है, इंट्रासाइनिक फैक्टर्स होते हैं और लाइपेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम मुख के द्वारा भेजे गए काइम को पचाने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं शरीर के जो वन बाय वन पाचन, हालांकि खाने के साथ में बैक्टीरिया भी पहुँच जाते हैं, तो जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये एक्चुअली अब हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो काम करता है और ऐसे क्षारीय भोजन और बैक्टीरिया के तंतुओं से जाके मिलता है और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ये जो पूरा सिस्टम है ये बहुत वेल प्लान तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हालांकि भोजन को क्षारीय और अम्लीय माध्यम को बदलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो है वो अम्लीय माध्यम में भोजन को बदल दिया जो कि क्षारीय माध्यम से कहता था। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेप्सिनोजेन को जो है वो भी बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिनोजेन का पेप्सिन में बदलना एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये पेप्सिन ही है जो प्रोटीन को तोड़ेगा और प्रोटीन के साथ में विटामिन का भी संश्लेषण करता है। ये प्रोटीन के कण आपके सामने दिख रहे हैं, आप इन प्रोटीन के कणों को पेप्सिन के माध्यम से जब ये तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर इसको इसका संश्लेषण होगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से माइक्रोविलाई में ये संश्लेषित होता है। B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो शरीर के लिए जाना जाता है, हालांकि इसमें कोबाल्ट भी होता है। तो ये
ये भी एक तरीके से अलग अलग लेयर्स के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, और विटामिन B12 के संश्लेषण में भी इन सब का रोल होता है। जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी जैसे लाइपेज है या एमाइलेज है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। अब विटामिन B12 है, इसके अंदर आप एक बात जान लीजिए कि ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज, इसके अलावा विटामिन B12 के अलावा, ये आपके इस फैट के डाइजेशन के लिए काम होता है। अब जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो उसको फ्री फैटी एसिड में बदल देता है। ट्राइग्लिसराइड के माध्यम से एक फ्री एसिड को ये बदल दिया, फैटी एसिड है ये तीनों आपके सामने जो है ये फैटी एसिड्स के तौर पे जाने जाते हैं। इनको तोड़ने में बहुत मदद करते हैं ये एंजाइम्स जो, जब ये वन बाय वन टूटते जाते हैं तो फिर भोजन जो है वो उसका धीरे धीरे पूरा पूरा संश्लेषण होता है, और फिर पेट के अंदर जो क्रमानुकुंचन गति है जिसको हम पैरास्टेटिक मूवमेंट बोलते हैं, ये मूवमेंट भोजन को आगे धीरे धीरे एसिमिलेटेड फूड जो है उसको आगे की तरफ अग्रसित करता है। और ये इतना छोटा सूक्ष्म छिद्र होता है, मैं आपको अभी इसमें दिखा रहा हूँ, ये निहायत ही सूक्ष्म छिद्र होता है, और जिसको ये मतलब बिल्कुल छांट के बहुत छोटा सा हिस्सा ये इसको आगे की तरफ भेजता है। आप इसको जब आप देखेंगे कि ये किस तरीके से ये पाइलोरिक का जो छिद्र है, ये जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ये बहुत छटी हुई चीज़ को धीरे से आपके इंटेस्टाइनल एसिमिलेशन के लिए आगे भेज रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पैनक्रियाटिक सेक्रेशन होता है जिसको हम एम्पुला ऑफ वेडर बोलते हैं। एम्पुला ऑफ वेडर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो पैनक्रियाटिक जूस का हिस्सा होता है बेसिकली, वो एंजाइम्स के माध्यम को भी कंटेन करता है। क्योंकि ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये हाई पीएच वैल्यू के तत्व को होता है, और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एग्जिस्ट करता है। आपको एक बात जाननी होगी कि ये क्या कहते हैं, जो हाइड्रोकार्बोनेट है ये जाके पेट के अंदर जो तत्व जो एसिमिलेट नहीं हो पाया है आपके पेट में, उसको ये एसिमिलेट करने के लिए आपने मतलब पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और ये सिर्फ एक ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम हैं जो पैनक्रियाटिक जूस से निकलते हैं जो इसको एग्जिस्ट करता है। हालांकि पैनक्रियाटिक जूस में आप एक ट्रिप्सिनोजीन जो होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो ये जो ट्रिप्सिनोजीन आपके इस समय वो दिख रहा है, ये ट्रिप्सिनोजीन को बदल देता है ट्रिप्सिन में, ये प्रोटीन के संश्लेषण के दौरान भी यूटिलाइज होता है। तो ये एक जालिका बनाता है बेसिकली, हम ये कह सकते हैं कि पैनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट का जो हिस्सा है, इस कार्बोहाइड्रेट के हिस्से में जो भी चीज़ें हैं उसको ये ट्रिप्सिनोजीन बदलता है आगे की चीज़ों में, मतलब जो अपच हो चुकी, जो पची नहीं थी, मुख में नहीं पची थी, क्योंकि मुख में लाइपेज एंजाइम था तो वो ना पचा था, अब उसके पचाने के लिए फिर यहाँ पे पैनक्रियाज के माध्यम से चीजें निकल के आती हैं, वो नए नए एंजाइम्स निकल के आते हैं और वो तोड़ते हैं। आपके सामने ये जो ये फैटी एसिड्स हैं, ये तीन जो फैटी एसिड्स हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स को यूटिलाइज करेंगे। ट्राइग्लिसराइड्स जो है जब बच जाती है, जो बाकी के पाचन के बाद से, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट को पचा लिया उसके बचने के बाद से, फिर ये क्या करेगा, फैटी एसिड्स को पचाने में यूटिलाइज होता है। अब इसी समय बाइल भी, मतलब बाइल का मतलब पित्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्राइग्लिसराइड्स के पाचन में असिमुलेट करता है ये बाइल, और इस बाइल के माध्यम से ही ट्राइग्लिसराइड्स के पाचन में एक सहायता मिलती है शरीर के MRIs को। अब यदि हम बात करें जैसे कि किस तरीके से ये पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लिवर का क्या सिस्टम है, तो आप इसमें देखेंगे कि पैनक्रियाज जो है वो एक माध्यम से जुड़ा हुआ है लिवर से भी, और जुड़ा हुआ है साथ में गॉल ब्लैडर, मतलब लिवर से आया क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर में लिवर ने, और उसके बाद गॉल ब्लैडर जो है वो भेजता है ड्यूडेनम के माध्यम से पैनक्रियाज में। अब पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके पूरे पूरे मतलब बाइल में, गॉल ब्लैडर और लिवर का बड़ा रोल प्ले होता है ये आपके। यदि इनका सिस्टम बिगड़ा तो फिर सारा खेल बिगड़ा। ये तीन चीज़ें जो आपको दिख रही हैं इसमें, तीन अंगों में ये इंटेस्टाइन्स हैं जिसको हम जिजनम, ड्यूडेनम और इलियम बोलते हैं, मतलब ड्यूडेनम ऊपर वाला हिस्सा जो है, जिजनम और इलियम नीचे वाला हिस्सा। इंटेस्टाइन जो है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीन हिस्सों में बटी। ये देखिए इंटेस्टाइन का मैं एक आपको सेक्शन दे के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होती है। ये जो छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं ये बेसिकली इसको हम माइक्रोविलाइज बोलते हैं। ये इतने गजब, इनका जो पूरा अप्रोच है ये बड़ा गजब का होता है। ये शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो आपके द्वारा खाए हुए हर एक पदार्थ को
क्या कहते हैं, एसिमिलेट करते हैं, सोखते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, आपने जो भी लिया, जो भी प्रक्रियाएं हुई थी विभिन्न एंजाइम्स के माध्यम से, उनको सोखते हैं। अब इसमें से किसी एक बाल को मैं लेता हूँ, सपोज कि ये मैंने एक ये विलाई ले ली, एक विलाई के अंदर बहुत सूक्ष्म रक्त नलिकाएँ होती हैं, जो चीज़ें एसिमिलेट हुई हैं, जो चीज़ें आपके पेट के माध्यम से या पैनक्रियाटिक जूस या तमाम एंजाइम्स के माध्यम से जो एसिमिलेट हुई हैं या जो सोखी गई हैं बेसिकली, वो इन माइक्रोविलाइज या पैपिलास के माध्यम से इन ब्लड कोशिकाओं तक पहुँच जाती हैं, मतलब ये जो ब्लड है ब्लड सेल्स में, अब ये ब्लड सेल्स में एसिमिलेट हो गए बड़े सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म फॉर्मेट में। अब देखिए मैं आपको ब्लड के नीचे का हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये लाल रक्त कणिकाएं इस समय ट्रैवल कर रही हैं, इसी में ये निकला आपके साथ में शुगर, जैसे ग्लूकोज, जो आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज मल्टोज ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, अब इन्हीं ब्लड सेल्स के साथ में ही ये पूरे शरीर में ट्रैवल करेगा, इनफैक्ट लीवर तक भी पहुँचेगा। तो उसके साथ में अब जैसे ये देखिए आप क्या कहते हैं आयरन हो गया है ना, ट्रांसफेरिन विद आयरन, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इनका चूँकि लाल रक्त कणिका जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो ये इसीलिए रक्त को हम बोलते हैं ये परिवहन संस्थान बड़ा सही होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये आपके सामने जो है ये क्लाइनोसरीन जो है ये सब प्रोटीन्स के और इनके न केवल प्रोटीन इनफैक्ट बाकी सारे तत्व जो है वो भी, अब जैसे देखिए ट्राइग्लिसराइड्स जो इनके साथ में ट्रैवल कर रहा है, इन्हीं के साथ में जो सेल्स है आयरन सोडियम कैल्शियम पोटेशियम जिंक जो भी चीज़ें हैं वो इन्हीं के द्वारा एसिमिलेटेड फॉर्मेशंस में निकलती हैं। ये एक पैपिला है और पैपिला के अंदर से निकल के ये आती हुई तत्व, ये जो सारे तत्व हैं, मतलब एक एक माइक्रोविलाई, मतलब ऐसी करोड़ों माइक्रोविलाईज हैं, और इनफैक्ट एक एक माइक्रोविलाई के अंदर के भी जो सूक्ष्म पैपिलाज हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके और धीरे धीरे इनसाइड अपने माध्यम से पूरे शरीर तक पहुँचाने की प्रक्रिया को देते हैं। मतलब भोजन का पाचन, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पाचन इतनी गजब की प्रक्रिया है, जिसको आप इस पूरे चित्र के माध्यम से ऐसी करोड़ों अरबों खरबों ऐसी माइक्रोविलाइज। आप देखिए इस ये एक स्वच्छ पेट का कार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय आपके सामने स्क्रीन पे होगा, बहुत ही स्वच्छ पेट है, जिसको हम तमाम जैसे जो पानी पीने की प्रक्रिया होती है कुंजल वगैरह के माध्यम से हम अपना पेट साफ रखते हैं, तो आप देखिए ऐसा हो जाता है, जिसका पेट गंदा होता है वो उसके में मल चिपक जाता है इन्हीं सारे हिस्सों में। अब जब ये चीज़ें जो ट्रैवल करती हैं, जैसे मान लीजिए जो कैल्शियम है, जैसे और भी तमाम न्यूट्रिएंट्स ये ट्रैवल करते हैं, जब आपका पेट गंदा होता है तो ऐसी स्थिति में मल है इसमें पूरा, अब ये मल जो आप जैसे देखिए ये जिंक है सपोज कीजिए, तो ये सारी चीज़ें ट्रेवल कर रही हैं आपके शरीर में, तो ऐसी कंडीशंस में अगर आपका पेट ही पूरा मल मल से है या फैट्स है, तो ऐसी कंडीशंस में ये चिपक जाता है, ये विटामिन B12 जिंक सोडियम कैल्शियम ये आपके शरीर को मिल नहीं पाता और लिहाजा तमाम तरीके की दिक्कत होती है। अब बाइल एसिड हो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि इसमें जितनी भी तत्व हैं ये सारे ट्रैवल करते हैं इन छोटी छोटी पाइप में। अब इस पाइप को यदि आप स्वच्छ नहीं रख पाएंगे तो डेफिनेटली, और एक और चीज़ जो है इसका प्रेशर वो बड़ा घसब का होता है, इसको बोलते हैं क्या कहते हैं क्रमानुकुंचन गति, जिस क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से ये सेगमेंटेड हो जाता है, इसको बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, और जो ये मतलब जो एसिमिलेट हो रही है, क्योंकि होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी खाना एसिमिलेट होता है, जब ये ट्रैवल कर रहा है तो कई सारे तत्व ऐसे हैं जो टूट नहीं पाए हैं, जब ये टूट नहीं पाया है तो ये एसिमिलेट हो रहा है, और ये एसिमिलेशन आपके लिए ही आपके तत्वों को आपके द्वारा लिए हुए भोज्य पदार्थों से एक्सेप्ट करता है और फिर धीरे धीरे आपके लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ डंप करता है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे मिलती है, किस क्षेत्र के माध्यम से मिलती है, मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जब हम जूम करते हैं तो ये देते हैं ये कनेक्टिंग है, इसको बॉहिंस वॉल्व बोलते हैं। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, आप इसको याद भी रखना चाहिए आपको कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बॉहिन वॉल्व से जुड़ती है। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन में आप एक चीज़ देखेंगे, इसमें एक भी पैपिला नहीं है, लेकिन इसमें डाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हेल्दी बैक्टीरियाज के तौर पर जाने जाते हैं और ये शरीर के लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पैपिलाज नहीं है, यहाँ 100 मिलियंस ऑफ पैपिला क्या कहते हैं ये बैक्टीरिया हैं, जो छोटे छोटे पदार्थों को भी अब्जॉर्व करके और अपनी तो जान दे ही देते हैं, साथ में उन तत्वों को नहीं जाने देते, मतलब एक्स्ट्रा आपके शरीर से एक भी न्यूट्रिएंट शरीर से बाहर ना जाने पाए, इसको ये एश्योर करते हैं करोड़ों अरबों खरबों ये जो बैक्टीरियाज हैं छोटे छोटे। फिर अब आप देखते हैं कि ये जो कोलन है, कोलन के माध्यम से भोजन ट्रांसफर करता है और ये पैरासिटिक मूवमेंट अगेन इसका हो रहा है, ट्रांसवर्स कोलन में पहुंचाता है, फिर ट्रांसवर्स कोलन के माध्यम से होता हुआ भोजन आगे की तरफ चल रहा है। जब आप आसन करते हैं, योगा करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में आपको बहुत सहूलियत मिलती है, क्योंकि आप इन्हीं पे वो प्रेशर देते हैं और ये प्रेशर धीरे 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 भोजन को आगे बढ़ाता है और भोजन के मतलब मल द्वार के माध्यम से होते हुए भोजन को आगे की तरफ एक्सक्रीट कर देता है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो ये एक बहुत दिव्य प्रोसेस थी और इसी प्रोसेस से होते हुए पूरा का पूरा भोजन पचता है। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत